तो ये है आपके सामने दोस्तों स्मॉल कॉमर्शियल व्हीकल में ऑफरिंग टाटा मोटर्स कॉमर्शियल व्हीकल की ओर से इंट्रा V50 और इंट्रा V10। तो V50 हाल ही में जो है अपग्रेड, एक तरीके से कह सकते हैं V30 के बाद जो है यहाँ पर V50 का आपको जो है देखने को मिला। काफ़ी बड़ी कह सकते हैं बॉडी प्रोफाइल इसकी है और लोड गैदरिंग कैपेसिटी भी V10 और V30 के कंपैरिजन में इसकी थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो आज की वीडियो दोस्तों कंपैरिजन के ऊपर में रहेगी, इंट्रा V10 और V50 के बारे में। इनका जो है V50 का कंपैरिजन हमने V30 के साथ में किया था, उसको भी आपने जो है काफ़ी अच्छा कह सकते हैं प्यार दिया उस वीडियो को, तो आप उसको वीडियो को अगर देखना चाहते हैं, नहीं देखा है तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है या चैनल पे आप जा सकते हैं। इंट्रा V30 वर्सेस V50 का हमने एक डिटेल में कंपैरिजन किया है। अब बात करते हैं V10 के साथ में V50 का कंपैरिजन। वैसे तो एक तरीके से कह सकते हैं ना, इसकी जो है पावर आउटपुट टॉर्क इससे एक तरीके से सीधे डबल है। तो बात करेंगे इंट्रा V10 की ओर जो है किसको जाना चाहिए या फिर V50 की ओर किसको जाना चाहिए, तो फटाफट से बात करते हैं। सबसे पहले तो डायमेंशन का ही आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा V50 कंपेयर टू V10 के, जो है कितना ही अच्छी खासी जो है बॉडी बड़ी प्रोफाइल के साथ में यहाँ पर आ रही है। तो V10 की अगर मैं बात करता हूँ प्राइसिंग की, तो इसकी 6,850,000 रुपये से लेके 6,80,000 रुपये एक्स शोरूम रहती है। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी आप एग्जैक्ट क्या ऑन रोड प्राइस है, क्या क्या फाइनेंस स्कीम है, जो भी है वो आप टाटा मोटर कॉमर्शियल व्हीकल के नियर बाय आपका जो भी डीलरशिप होगा वहाँ से आप पता कर सकते हैं। बाकी अगर आप उत्तराखंड से वीडियो देख रहे हैं तो अमित ऑटो पे भी आप जो है यहाँ पे पता कर लेंगे। और बाकी अगर मैं V50 की बात करता हूँ तो इसकी लगती है जो है 8,67,000 रुपये, 8,67,000 रुपये जो है इसकी एक्स शोरूम रहती है। तो प्राइस का अच्छा खासा डिफरेंस है, कम से कम 1,80,000 से 2,00,000 के जो है आपका जो है प्राइस का डिफरेंस यहाँ पे रहता है दोनों के बीच में। लेकिन उसी हिसाब से इसकी पावर आउटपुट और स्पेसिफिकेशन थोड़ी अलग रहती हैं, उस प्राइस पे इसकी थोड़ी अलग रहती हैं। अब बात करते हैं फटाफट से, सबसे पहले ऑन डायमेंशन जो है स्टार्ट कर लें। तो डायमेंशन के हिसाब से अगर आप देखें तो आपका जो V50 है वो अच्छा खासा जो है यहाँ पर लेंथ में काफ़ी आपको जो है बड़ा देखने को मिलेगा। 4734 ओवरऑल जो है इसकी V50 की जो है लेंथ रहती है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ V10 की, तो V10 की ओवरऑल लेंथ 4282 mm रहेगी। तो इसका पूरा लेंथ का डिफरेंस तो आपको यहाँ पे साइड से थोड़ा ज़्यादा पता लगेगा। यहाँ से आप देखते हैं तो V50 थोड़ा जो है पीछे की जो लोड बॉडी है उसकी वो हाइट में भी काफ़ी अच्छी रहेगी और पीछे से जो लेंथ है उसकी भी काफ़ी ज़्यादा लेंथ रहती है। तो ऐसा कुछ है पूरा डायमेंशन का। तो यहाँ से अब जैसी फ्रंट में आप देखते हैं, फ्रंट प्रोफाइल की ओर आएंगे तो फ्रंट वैसे एक तरीके से डिज़ाइन वाइज थोड़ा सा जो है यहाँ पे कॉमन से लगते हैं एकदम। लेकिन यहाँ अगर आप V10 में देखेंगे, यहाँ पर आपको ये क्रोम में नहीं दिया जाता फ्रंट का जो है, ये सिल्वर आपको जो है स्ट्रिप में दिया गया, यहाँ पर पूरा क्रोम में दिया गया। तो थोड़ा प्रीमियम भी लगता है V50 यहाँ से। और यहाँ पर V50 की बैजिंग प्रॉपर मिलेगी, इंट्रा पिकअप की यहाँ पर बैजिंग मिल जाती है आपको। यहाँ आप देखें, यहाँ भी आपको प्रॉपर बैजिंग दी गई है क्रोम में मास्कट। बाकी ये ग्रिल आपको पूरी ब्लैक दी जाती है यहाँ पे, यहाँ थोड़ी ग्रे शेड में दी गई है थोड़ी प्रीमियम जो है फ्रंट लुक को बनाने के लिए। बम्पर आप देखें, बम्पर पर रिफ्लेक्टर दोनों पर मिलेंगे, लेकिन थोड़ी हाइट ज़्यादा है V50 की तो बम्पर थोड़ा इसका ऊपर रहता है। यहाँ पर थोड़ा आपको ग्रे शेड आपको टोन मिलती है, यहाँ पर आपका जो है बम्पर पूरा ब्लैक रहने वाला है। फॉग लैम्प्स दोनों में लगवाना चाहें आप लगवा सकते हैं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे नहीं आते हैं दोनों में फॉग लैम्प्स, फ्रंट प्रोफाइल दोनों की ऐसी रहती है। फिर वाइपर में आपको जो है इंटीग्रेटेड आपको जो है वॉशर यूनिट, दो वाइपर्स मिल जाते हैं इस तरीके से। यहाँ पर भी आपको दो वाइपर्स प्रॉपर मिलेंगे। वायर एंटीना ऊपर दोनों में दिया जाता है। बाकी ORBMs यहाँ पे फोल्ड और जो है यहाँ पे एडजस्ट हाथ से ही दोनों में आपको जो है यहाँ पे अपने मैनुअल तरीके से ही करने पड़ेंगे। फिर यहाँ पे अगर जो है साइड बाय साइड जो है अगर मैं बात करूँ टायर प्रोफाइल की, तो यहाँ डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पे डेडिकेटेड आपको फुट स्टेप दिया गया अंदर जो है एंटर करने के लिए, क्योंकि हाइट अच्छी ज़्यादा है कैबिन की, तो इसमें ये चीज़ नहीं दी गई है, क्योंकि आराम से यहाँ से एंटर कर सकता है ड्राइवर जो भी इसे चलाएगा वो यहाँ से। अब यहाँ पे टायर प्रोफाइल की बात करी जाए तो टायर आप ये देख रहे हैं ना, इसमें अपोलो के टायर दिए गए हैं 215/75 R15 का। इसमें आपको जो है 165 R14 के टायर मिलेंगे। तो यहाँ 15 इंच के टायर रहते हैं, थोड़ी वाइड प्रोफाइल के साथ में काफ़ी चौड़े रहते हैं। यहाँ 165 प्रोफाइल के आपको 14 इंच के स्टील लिम मिलेंगे। तो ऐसे दिया जाता है, टायरों में भी आपको डिफरेंस मिल रहा है। यहाँ पे टोटल यहाँ पे जो है आपको 5 जो है नग नट्स मिलेंगे, यहाँ पे 4 ही जो है यहाँ पे नट्स दिए गए हैं। तो ऐसा रहेगा। बाकी यहाँ से जैसे ही आप फ्रंट में आप देखते हैं, सस्पेंशन में जो है फ्रंट में लीफ स्प्रिंग यूज़ किए हैं, लेकिन जो है यहाँ
V10 में आपको फ्रंट में 6 लीफ स्प्रिंग रहते हैं, इसमें 2 लीफ स्प्रिंग है। अब आप कहेंगे कि इसमें 2 लीफ स्प्रिंग क्यों है, क्योंकि इसका साइज अच्छा खासा बड़ा है। तो लीफ स्प्रिंग का आप ये देखेंगे ना साइज, वो भी काफ़ी आपका जो है बड़ा रहता है। और बाकी यहाँ पे भी आपको जो है लीप स्प्रिंग काफ़ी इसके जो है बॉडी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग डिज़ाइन के रहेंगे, काफ़ी जो है कह सकते हैं पतले पतले से रहते हैं, तो ऐसा कुछ रहने वाला है इनका। एंड लीप स्प्रिंग का फ्रंट का सेटअप इसमें 2 हैं, इसमें 6 लीप स्प्रिंग दिए गए हैं। बाकी साइड फेंडरों पे आपको दोनों पे इंडिकेटर मिलेगा, यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर दिए गए हैं। और डोर हैंडल्स खोलने का प्रॉपर काफ़ी स्टाइलिश सा यहाँ पे रहता है ये इस तरीके से। और यहाँ से अब मैं बात करता हूँ पीछे रियर प्रोफाइल की, तो रियर में आप देखें स्नॉर्गल दोनों में यहाँ पर मिल जाएगा। ये आपको पीछे की जो विंड यहाँ पे जो स्क्रीन है ये स्लाइडिंग वाली इसमें मिलती है, इसमें आपको पूरा एक पूरे उसमें ग्लास में दी गई है। अब बात आती है यहाँ से इंजन की, इंजन सेक्शन की ओर चलते हैं अब हम फटाफट से। तो इंजन जो है ना इनके फ्रंट में नहीं आते, इनके आते हैं रियर में। तो ये जो पीछे जो इंजन है ना ये आपका V10 का है, 7 आपको जो है 98 सीसी का इंजन देखने को मिलता है, मतलब 800 सीसी का 2 सिलेंडर वाला इंजन है। पावर अगर मैं बात करूं, पावर जो प्रोड्यूस होती है V10 में वो जो है पावर आपकी 44 जो है हॉर्स पावर की जो है पावर प्रोड्यूस होती है 110 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ में। तो इसमें पावर आपका 44 हॉर्स पावर 110 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ में 2 सिलेंडर वाला जो है डीजल इंजन रहता है इसमें जो है आपका, वो इंजन आपको इसमें दिया जाता है 4 सिलेंडर वाला आपको इसमें इंजन मिलेगा BS6, वो भी जो है पावर अच्छी खासी 79 हॉर्स पावर आपको 220 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ में मिल रही है। तो मेन जो चाहिए होता है ना टॉर्क, तो टॉर्क आपको जो है कह रहा था मैं वही चीज़ कि आपको V10 में V50 में जैसी जो लेता है ना सीधे डबल टॉर्क मिल रहा है। इसमें 110 Nm का टॉर्क है, इसमें आपको सीधे 220 Nm का टॉर्क यहाँ पर मिल जाता है। तो उस हिसाब से जो इसकी पूरी बॉडी प्रोफाइल रहती है और पूरा आपको जो यहाँ पे कह सकते हैं आपको इसमें स्ट्रक्चर इसका पूरा मिल रहा है। लेकिन इसमें आपको एडिशनली यूरिया डलवाना पड़ेगा जो कि DEF डीजल आपको जो है ये फ्लूड रहता है 10 लीटर ये एक्स्ट्रा डलवाना पड़ता है हर एक उसमें जो है इंटरवल में। लेकिन आपको इसके साथ ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, इसमें जो है आपको LNT टेक्नोलॉजी मिलती है, रीजनरेशन आपको जो है यहाँ पर इंडिकेशन फ्रंट में आपको देखने को मिलेगा, तो इसमें करना पड़ता है। तो इसमें आपको यूरिया वाला कुछ भी बार बार फिल करवाने का आपको जो है ऑप्शन नहीं रहता है, तो ये काफ़ी कह सकते हैं इजी रहता है V50 में, ऐसा कुछ है। अब बात करते हैं ज़रा रियर सेक्शन की, तो रियर में आप आएंगे जैसे ही, तो रियर की जो बॉडी है इसके बाद मेन जो है लोगों का ये रहता है कि बॉडी जो है लोड बॉडी ये हमें कितनी बड़ी मिल रही है। तो लोड बॉडी अगर आप देखेंगे ना, सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करता हूँ जो अभी आप सामने ये देख रहे हैं V10 का, अगर मैं लोड अगर बात करें इसकी है 1000 kg की जो है लोड कैरिंग कैपेसिटी, 1000 kg जो इसमें आप जो है लेके जाएंगे तो पास होगा। और इंट्रा V50 की जो रहती है 1500 kg की, तो मतलब पूरे 500 kg ज़्यादा जो है इसमें आपको जो है लोड पेलोड आपका जो है यहाँ पे मिलता है। बाकी ग्रॉस व्हीकल की वेट की बात करें तो 2120 kg का इसका ग्रॉस व्हीकल वेट रहता है। ग्रॉस व्हीकल वेट में जितना आप लोड लेके जा रहे हैं और गाड़ी का जितना लोड है वो जो है यहाँ पर टोटल रहता है। और इसका जो है रहेगा 2940 kg का ओवरऑल ग्रॉस व्हीकल वेट। और अब जो है पीछे का जो है यहाँ पर साइज की बात करी जाए, साइज कितना बड़ा आपको जो है यहाँ पर लोड बॉडी का मिल रहा है जिसमें कि आप जो है सामान कैरी करके लेके जाएंगे, तो 8.2 फीट की जो है इसकी पूरी लेंथ रहती है पीछे वी जो है 10 की जो है यहाँ पे लोड बॉडी की। और इसकी विड्थ की बात करी जाए तो 5.3 फीट की जो है इसकी पूरी विड्थ चौड़ाई रहती है। बाकी हाइट तो ज़्यादातर लोग इसे लॉन्ग जो है हाई डेक की करवाते हैं आफ्टर मार्केट, तो उसकी तो आपको जो है एक तरीके से इसकी भी जो है थोड़ी कम आपको जो है हाइट मिलेगी। बाकी ये तो सब बड़ा ही करवा देते हैं इसका पूरा जो है पूरा बॉडी प्रोफाइल। अब यहाँ इसकी लोड बॉडी की बात करूँ V50 की, तो इसकी अच्छी खासी जो है 9.7 फीट की जो है पूरी लेंथ रहती है। तो आप कह सकते हैं इससे जो है पूरा आपको 1 फीट से ज़्यादा जो है इसकी ज़्यादा लेंथ मिल रही है। बाकी विड्थ की बात करें विड्थ वही रहती है 5.3 फीट के आसपास। तो ज़्यादा पेलोड आपको इसमें मिल जा रहा है और ज़्यादा जो है बॉडी प्रोफाइल जो है रियर लोड बॉडी की जो है डाला जो आप कहते हैं उसकी भी आपको पूरी प्रोफाइल इसी की ज़्यादा मिलने वाली है। और इसके बाद जब आती है यहाँ पे जो है पेट्रोल जो है यहाँ पे पेट्रोल में तो आता ही नहीं है, डीजल टैंक की कैपेसिटी, तो डीजल में टैंक की कैपेसिटी इसकी रहती है 35 लीटर की।
इंट्रा V50 की इसकी रहेगी 30 लीटर के आसपास। और जैसे ही रियर में आते हैं ना, तो रियर में आपको जो है सेमी इलेप्टिकल डीप स्प्रिंग मिल रहे हैं। इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी वो ज़्यादा रहती है, तो इसमें टोटल 10 लीप स्प्रिंग जो है रियर में यूज़ किए गए हैं। इसमें जो है 7 लीप स्प्रिंग टोटल यूज़ किए गए हैं, तो ऐसा कुछ रहता है। तो लोड बॉडी के अकॉर्डिंग ही जो है यहाँ पे जो पार्ट्स हैं उसमें भी आपको जो है कह सकते हैं ज़्यादा लीप स्प्रिंग इसमें यूज किए गए हैं। और बाकी दोनों ही रियर व्हील ड्राइव रहती हैं अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर पीछे आपको जो है इस तरीके से जो है टेल लैंप्स आपको एज LED में देखने को मिलती हैं। 3 रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे प्रॉपर यहाँ पर दिए जाते हैं। इंट्रा V50 की आपको जो है यहाँ पर जो है आपको प्रॉपर आपको बैचिंग देखने को मिलेगी इस तरीके से। और साथ ही साथ जो है पीछे स्पेयर व्हील आपको जो है यहाँ पर दोनों में पीछे ही दिया जाता है। इसकी प्रोफाइल थोड़ी छोटी रहेगी स्पेयर व्हील की, उसकी थोड़ी बड़ी रहती है। तो ऐसा कुछ डिफरेंस आपको पता लग गया होगा। पेलोड कैपेसिटी इसकी थोड़ी कम है, 1000 kg की है, उसकी 1500 kg की है। इसका पीछे की जो बॉडी वो थोड़ी जो है आपको थोड़ी छोटी इसकी मिलती है, उसकी बड़ी आपको मिलेगी। अब चलते हैं दोस्तों यहाँ पे फटाफट से इंटीरियर सेक्शन की ओर। इंटीरियर में आपको जो है उस तरफ से मैं बताता हूँ फटाफट से। V10 की ओर चलेंगे, फिर V50 की ओर चलेंगे। इसी इंट्रा V10 के कैबिन में जो है एंटर करेंगे तो इतना ज़्यादा ऊंचा नहीं लगता है कंपेयर टू जो है V50 के। अभी मैं इसमें भी एंटर करके दिखाऊंगा। यहाँ से आप आसानी से एंटर कर सकते हैं। फ्रंट की विंडो मैनुअली आपको जो है यहाँ पर अप एंड डाउन करनी पड़ेगी। ये पूरा हार्ड प्लास्टिक में आपको दिया जाता है इस तरीके से। ये लॉक अनलॉक आप ये करेंगे। बाकी यहाँ पे बॉटल होल्डर, यहाँ पे सीटें एकदम स्लिम ट्रिम्स यहाँ पे रहती हैं, इंटीग्रेटेड टाइप यहाँ पे दी गई हैं। बाकी दो लोग इसके साइड में भी जो है ड्राइवर के साइड में बैठ सकते हैं आराम से। बाकी कोई और ना भी बैठना चाहें तो ड्राइवर लॉन्ग जर्नी में थक के भी आराम से जो इसमें हैंड ब्रेक नीचे करके या फिर ऐसी जो है यहाँ पे आराम आसानी से कर सकता है। बाकी यहाँ आपको जो है इको मोड, गाड़ी खाली करके ला रहे हो तो ये आप ये कर सकते हैं। बाकी ये हेडलाइट की बीम रीजनरेशन का ये प्रॉपर दिया जाता है। चाबी कुछ ऐसी सिंपल सी आपको यहाँ पे दी जाती है। और यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे ग्रैब हैंडल दिया गया है अंदर जो है एंटर। इस तरीके से आप जो है आराम से हो सकते हैं। तो ये स्टेयरिंग की अगर मैं बात करूँ तो V10 में जो है आपको इलेक्ट्रिकली जो है पावर स्टेयरिंग आपको दिया जाता है। यहाँ पर कुछ ऐसा रहने वाला है ये। बाकी स्टेयरिंग एक तरीके से थोड़ा फ्लैट बॉटम है और नॉर्मली जो है पैसेंजर व्हीकल के कंपैरिजन में कॉमर्शियल व्हीकल के स्टेयरिंग आप जानते हैं थोड़े बड़े से रहते हैं। बाकी बीच में टाटा का लोगो मिलेगा। ये वाइपर के स्टॉक्स ये रहते हैं जो है हेडलैम्प के स्टॉक्स। और अब मीटर कंसोल अगर आपको इसमें दिखाऊं तो मीटर कंसोल कुछ ऐसा रहेगा जो कि आप ये देख रहे हैं फुली डिजिटल मीटर कंसोल है। थोड़ा ये विंडो बंद करें तो ऐसा आपको जो है यहाँ पे स्पीडोमीटर दिया जाता है। गियर शिफ्ट एडवाइज़र भी सारा कुछ आपको मिलेगा और DPF फुल भरा हुआ है इसमें। और ऐसी कुछ जो है पूरे कैबिन में आपको जो है कह सकते हैं। तो ये आप रिवर्स करेंगे तब जो है ये ऐसी आवाज़ आएगी। तो रिवर्स गियर अभी जो है एंगेज था तो आपको जो है कह सकते हैं ऐसा रिवर्स पार्किंग सेंसर इंडिकेट करते हैं। और यहाँ पे आपका जो है टेम्परेचर का, यहाँ पे फ्यूल का, ये सारा एज अ डिजिटली फॉर्म में आपको पूरा मीटर कंसोल में जो है आपको यहाँ पे शो हो जाता है। तो मीटर कंसोल पूरा डिजिटल है यहाँ पे। इसमें AC का ऑप्शन आपका एज अ ऑप्शनल आ जाता है, अगर आप AC में लेना चाहते हैं इसे भी ले सकते हैं। बाकी सेंटर कंसोल कुछ ऐसा रहेगा सिंपल सा पूरा हार्ड प्लास्टिक में। और यहाँ पे एक 5 वोल्ट का जो है USB टाइप आपका चार्जिंग सॉकेट है। यहाँ से आप जो है कुछ भी अपने जो है फोन आसानी से जो है चार्ज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे ग्लव बॉक्स ये लॉक वाला दिया गया है, यहाँ से भी आपका लॉक का प्रॉपर मिल जाता है। और यहाँ से एक चीज़ अच्छी है कि ये आपको गियर लीवर सीधे डैशबोर्ड में दिया है जो कि आप आसानी से यहाँ पर शिफ्ट हो सकते हैं। और ऊपर आपको सिंपल सा IRVM और यहाँ पे एक लैंप दी गई है और ऐसी रहने वाली है। यहाँ पे सनवाइजर रहता है, पीछे आप इसे स्लाइड करके पीछे देख भी सकते हैं। अब चलते हैं फटाफट से जो है इंट्रा V50 की जो है कैबिन की ओर, फटाफट से बात करते हैं उसके जो है हम कैबिन की। अब जैसे ही इंट्रा V50 के कैबिन में एंटर होना पड़ता है ना, तो आपको थोड़ा बहुत कह सकते हैं यहाँ पर
ऊपर की ओर जो है शिफ्ट होना पड़ता है कि थोड़ा, क्योंकि कैबिन की हाइट अच्छी खासी है जैसा कि मैंने बताया था आपको, और सीटें वैसी मिल रही हैं आपको थोड़ी हाइट पे, आपको जो है ऐसा इसमें बैठते तो ऐसा फील होगा कि थोड़ा रोड से आप थोड़ा हाइट पे ऊपर को और बैठे हुए हैं। बाकी स्लाइडिंग का ऑप्शन तो उसमें भी दिया जाता था। अब फटाफट से अंदर बैठते हैं तो प्रॉपर आपका जो है फुट स्टेप यहाँ पे रखने के लिए दिया गया है। इस तरीके से आप बैठेंगे और आपको पकड़ के यहाँ से अंदर जो है यहाँ पे शिफ्ट प्रॉपर हो जाना है। तो कह रहा था मैं ना, थोड़ा ऊंचा ऊंचा फील होने वाला है V50 में बैठ के, अगर आप V10 से बैठते हैं तो हाइट का अच्छा खासा डिफरेंस है इसमें। बाकी इसमें आता है हाइड्रोलिक जो है पावर स्टेयरिंग, उसमें इलेक्ट्रॉनिक था, इसमें आपको हाइड्रोलिक मिल रहा है। बाकी यहाँ पर वही इको रीजनरेशन, ये हेडलाइट की बीम जो है एडजस्ट करने का, इसमें भी आपको फ्रंट की विंडो नॉर्मली मैनुअल वाली मिलती हैं, और बाकी ये सारा कुछ पैनल तो सेम टू सेम ही है। अब यहाँ पे आप बैठेंगे तो मीटर कंसोल एक बार आपको दिखाऊं तो ऐसा कुछ रहता है, सेम टू सेम जैसा उसमें था वैसा ही इसमें है। गियर शिफ्ट एडवाइजर, ये सारी कुछ चीज़ें आपको इसमें मिलती हैं यहाँ पर जो है नॉर्मली। यहाँ पे टेम्परेचर का, यहाँ पे फ्यूल का, मीटर कंसोल एकदम सेम टू सेम है, आप कुछ भी नहीं कह सकते कि इसमें आप कुछ चेंज मिल रहा हो। बाकी रिवर्स आप जो है एंगेज करते हैं तो यहाँ पे आपका ऐसी जो है साउंड करेगा। बाकी गियर कोई भी आप जो है एंगेज करेंगे, ये सारा कुछ आपको जो है इसमें फ्रंट में बता देता है आसानी से। बाकी V50 भी दोस्तों AC ऑप्शन में आ जाता है, AC ऑप्शन लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले लेंगे, लेकिन इसके जो है नॉर्मल नॉन AC से थोड़े आपको प्राइस इसकी जो है पे ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो वो प्लांट से आपको एज अ AC ऑप्शन में जो है आपको मिल जाता है। बाकी डैशबोर्ड वैसी की वैसी आपको डिज़ाइन के साथ में मिलना है, लेकिन डैशबोर्ड का पूरा लेआउट कह सकते हैं जो पूरा जो है साइज वो आपको बड़ा मिलने वाला है। 5 वोल्ट का जो है एक USB आपको चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे दिया गया है। बाकी यहाँ से प्रॉपर दो लोग आसानी से यहाँ पे बैठ सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर, और जो है इस साइड, और इंटीग्रेटेड यहाँ पर भी आपको जो है सीटें आपको दी गई हैं। बाकी ये शीशा आपको पूरा रियर का व्यू देखने के लिए प्रॉपर इसमें मिल जाएगा। सिंपल सा IRVM है, यहाँ पर आपको जो है एक लाइट दे दी गई है, ये डे नाइट कर देते थोड़ा अच्छा लगता मेरे को। तो ऐसा रहेगा दोस्तों V50 का कैबिन जो कि आप ये देख रहे हैं। तो मेजरली इंटीरियर में इतना कुछ तो आपको डिफरेंस नहीं मिला होगा, एक पूरा साइज का तो है ही डिफरेंस, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें वही वाली, लेकिन एक्सटीरियर में और इंजन की पावर टॉर्क में और जो है पेलोड में अच्छा खासा जो है आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है, जो कि आपने देख लिया। ये आ जाती है 1500 kg पेलोड के साथ में, ये आता है जो 1000 kg के जो है पेलोड के साथ में, और इसमें आपको 44 जो है हॉर्स पावर प्रोड्यूस होती है 110 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ, इसमें 79 हॉर्स पावर 220 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ, तो एकदम सीधे डबल टॉर्क इसमें रहता है। और ग्रेडिबिलिटी की बात करूं तो ग्रेडिबिलिटी थोड़ी जो है ज़्यादा इसकी आपको जो है देखने को मिलेगी, 43% की इसकी ग्रेडिबिलिटी है, 35% की जो इसकी रहती है ऑन, अगर आप डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो 90 से जो है 20 डिग्री के जो है स्लोप पे आसानी से चढ़ जाता है, और ये जो है 22 से 23 के डिग्री के स्लोप पे आसानी से जो है कह सकते हैं आसानी से चढ़ जाता है। तो ये था दोस्तों दोनों का जो है डिफरेंस, एक तरीके से थोड़ा डिटेल में मैंने बताया यहाँ पर। तो अगर दोस्तों बजट अच्छा खासा है और ट्रांसपोर्ट का अच्छा खासा काम है आपका, तो ये आपको ज़्यादा लोड और जो है ज़्यादा आपको रियर में जो है लोड बॉडी में ज़्यादा स्पेस अच्छा खासा दे जाएगा, तो इसकी ओर आप जा सकते हैं, क्योंकि अच्छा खासा आपको इसमें पावर भी मिल रही है 220 Nm के जो है टॉर्क के साथ में। लेकिन उसकी ओर भी अगर आप जाते हैं ना V10 की ओर में, तो उसमें आपको प्राइस थोड़ा इससे कम मिल रही है, लेकिन अच्छी खासी ग्रेडिबिलिटी के साथ में जो इसमें सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाने वाली हैं। बाकी माइलेज की बात करी जाए तो जो है 17 से 18 का जो है अराउंड इसमें आपको माइलेज मिलेगा, क्योंकि 2 सिलेंडर का जो है इसमें आपको डीजल इंजन मिल रहा है, और उसकी बात करें उसमें थोड़ा बहुत आपको 13 से जो है 15 के आसपास इसका माइलेज रहने वाला है। तो यही थी दोस्तों आज की वीडियो इंट्रा V50 और जो है V10 के बारे में, थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो ज़रूर बताएं, मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो के साथ में।